सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, NIT लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों IT सेक्टर की कंपनी है, शेयर प्राइस में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। आज भी ये स्टॉक 13-14% ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है और इसका कारण है बड़े इन्वेस्टर्स रमेश दमानी जी ने इसमें इन्वेस्ट किया है। दोस्तों तो जो अपडेट है उसकी बात करेंगे। जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है NIT लिमिटेड में, पिछले एक साल की बात करते हैं तो आज के दिन ये पिछले एक साल का जो रिटर्न हो गया 124% का हो गया। थोड़ा बहुत पीछे की तरफ जाएं, 2023 में जाएं तो जून के महीने में ये डीमर्जर हुआ था, निवेशकों को शेयर मिले होंगे। और आज के दिन की बात करते हैं तो NIT लिमिटेड भी ऊपर की तरफ है और दूसरी कंपनी वो भी 480 के आसपास है। बताने का मीन्स ये है कि डीमर्जर, बोनस, फील्ड, जब कंपनियां होती हैं, अच्छी कंपनियां होती हैं, तो कुछ समय के बाद शेयर्स ऊपर की तरफ देखने को मिलते हैं और निवेशकों के शेयर भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों जैसे कि NIT लिमिटेड की बात करें तो पिछले साल ये जून में डीमर्जर हुआ था। बहुत सारे निवेशक जानना चाह रहे थे कब तक इसमें तेज़ी बनेगी। तो अब बड़े इन्वेस्टर्स रमेश दमानी जी ने इसमें इन्वेस्ट किया है, लगभग 8 लाख शेयर्स का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.59% हिस्सेदारी ली है। ले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी है। अगस्त के 20-21 तारीख को ये स्टॉक 118-120 के आसपास था। दोस्तों तो अचानक से एक तरह से तेज़ी बनी है और चमत्कार शेयर बाजार में होते रहते हैं। बट पिछले एक साल की बात करते हैं तो स्टॉक 80 रुपीज़ जो लो था 78 से 120-130 रुपये के बीच घूम रहा था। दोस्तों तो अब बड़े इन्वेस्टर्स रमेश दमानी जी ने इन्वेस्टमेंट किया तो स्टॉक में तेज़ी है, सर्किट लग रहा है। दोस्तों तो ये शेयर प्राइस का एक्शन रहा है, जो अपडेट है जिसके कारण शेयर बढ़ रहा है। तो रमेश दमानी जी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, 8 लाख शेयर्स खरीदे हैं उन्होंने, बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये और 0.59% की हिस्सेदारी ली है। तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। दोस्तों 5 दिन की बात करते हैं तो स्टॉक लगभग 54% का रिटर्न दे चुका है आज के दिन। आज भी ये लगभग अभी इस वक्त ये इंट्राडे में 14-15% ऊपर की तरफ हो गया। दोस्तों तो इसके बिजनेस की बात कर लेते हैं। NIT लिमिटेड IT सेक्टर की कंपनी है और IT सेक्टर में एक तरह से तेज़ी भी बनी है। आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए रेवेन्यू की बात करते हैं तो 99 करोड़ का इसका रेवेन्यू था जून के क्वार्टर में और पिछले एक साल से इसका जो रेवेन्यू रहा है, पिछले 2023 में 78 करोड़ का था, उसके बाद 96 करोड़ का था, 102 करोड़ का दिसंबर में था, 92 करोड़ का मार्च के क्वार्टर में था और 99 करोड़ का जून के क्वार्टर में था। तो लगभग 80 से 100 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसका जो प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में 820 करोड़ का था और एक साल पहले 2.43 करोड़ का था, ये बढ़कर 820 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो उम्मीद ये रहेगी कि आगे आने वाले समय में इसका रेवेन्यू 100 करोड़ से ऊपर का होगा, प्रॉफिट 8 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ या 20 करोड़ तक भी जा सकता है। दिसंबर के क्वार्टर में 15 करोड़ का इसका प्रॉफिट था दिसंबर 2023 में। दोस्तों तो ये जो अभी नतीजे आएंगे सितंबर के बाद, उसके बाद फिर दिसंबर और जनवरी में आएंगे, तो अगले 6 महीने में इसमें हलचल बढ़ने वाली है। मार्केट कैप 83,000 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 76 का है, डिविडेंड कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया है, EPS 3.25 का है, ROE है 3.71% का, इसका PE रेशो 47 तक पहुँच गया। दोस्तों तो ये बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं NIT लिमिटेड के अभी तक के। दोस्तों आगे आने वाले क्वार्टर्स में इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक में हलचल बनी रहेगी। अब शेयर प्राइस की बात करते हैं तो जैसे कि देखिए पिछले 5 दिन में तो स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ आ गया है। अभी इस वक्त ये 175-177 के आसपास है, इंट्राडे में अभी ये 15% ऊपर की तरफ हो गया है। तो जो निवेशकों ने एक साल से होल्ड किया स्टॉक को तो होल्ड करें, 100 के आसपास लिया तो होल्ड करें। जो मोमेंटम के लिए प्ले कर रहे हैं दोस्तों, स्टॉक में और तेज़ी बनती है तो अपने अनुसार देखें हमको क्या करना है, क्योंकि बेसिकली मार्केट में समय देना पड़ता है। अब जैसे कि पिछले 2-3 साल से जिन्होंने NIT लिमिटेड में निवेश किया होगा तो कंपनी का डीमर्जर हुआ, दो कंपनी हुए, डीमर्जर के शेयर अलग मिले, अब स्टॉक्स भी ऊपर की तरफ हैं।
तो समय देने पर मार्केट में चमत्कार भी होते रहते हैं, कंपनियां अच्छी हों। NIT लिमिटेड IT सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है, इसके बिजनेस पॉइंट के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। स्टॉक में एक तेजी बन चुकी है, जो कम समय के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। जिनका निवेश है लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड करना चाहिए। हमारे अनुसार स्टॉक में आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है, हलचल बड़ी रह सकती है दोस्तों। तो ये NIT लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है।